6 लाख तक जुर्माना और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है विदाउट लाइसेंस अगर बिजनेस करे बोले तो। उनके लिए एक चेतावनी है ये जो हम लोग आज करें, तो बेटर वो लोग ये सब चीज़ें करना बंद करना चाहिए। कल जो हम तकरीबन 18 गाड़ियाँ पकड़े, ISI मार्क सभी रहना जरूरी है और व्हीकल को भी परमिशन का जरूरी है, FSSAI का लेना जरूरी है। और जिलाधिकारी जज रहते इसको, जो उनको 3 लाख रुपए तक भी जुर्माना मारने का फाइन मारने का ये रहता है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದ, ಈ ಕಡೆ ಕಂಪನಿ ವಿಳಾಸ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಜೈಸೆ ಕಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ISI एंड नॉन ISI के लिए हम लोग हमारे एसोसिएशन की तरफ से आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टिकर ईजाद करे हैं. इसमें आपका ब्रांड नेम, ISI CML नंबर और FSSAI नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो डिपार्टमेंट को कंफ्यूज हो रहा है, जो ISI के व्हीकल चल रहे हैं नॉन ISI के व्हीकल चल रहे हैं, बस उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टिकर ईजाद करें इसमें. सो प्लीज़ जो भी फिलर्स है और जो भी ISI होल्डर्स है वो लोग ये स्टिकर लीजिए और इसका फ़ायदा उठाए. ईट राइट इंडिया में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एक अरी मोडिस हुआ कार्यक्रम बोल के था, उसके अंतर्गत हम लोग आज पैकेज ड्रिंकिंग वालों को, सब लोगों को जितने सप्लाई करते ऑल ओवर गुलबर्गा या डिस्ट्रिक्ट में, उनको आज बुलाए थे. तकरीबन 55 से ऊपर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हैं. हम लोग ISI ड्रिंकिंग वाटर का और नॉन ISI के बारे में कुछ आज बोलना चाह रहे थे. ISI ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बोलना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं जानकारी उसके बारे में दूंगी. पैकेज लेबलिंग के ऊपर लेबलिंग रहना चाहिए और पैकेज रहना चाहिए, ISI मार्क रहना चाहिए, FSSAI सर्टिफिकेशन और जहाँ से वो आता उसका एड्रेस रहना चाहिए, चाहे किसी गली मोहल्ला या कौन सा भी, और फ़ोन नंबर भी रहना चाहिए. इफ़ एनी इश्यूज़ हम लोग इमीडिएट कॉल कर सकें उनको. और जितने भी वाहन चालक जो कोई भी चलाते हैं व्हीकल, उनका भी रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए उसके अंदर. एक्चुअली सब लोग विदाउट लाइसेंस ये करते हैं, तो उनका भी लाइसेंस रहना चाहिए. और जो बच्चे हैं जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर्स वगैरह, उनका भी हेल्थ चेकअप रहना चाहिए. और गुटखा मावा या जो कुछ भी वो थोड़े हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. और नॉन ISI का क्या है, विदाउट पैकेज ड्रिंकिंग, विदाउट ISI मार्क जो बेच रहे हैं उनके लिए ये बहुत इसकी बात है, मतलब हेल्थ हजार्ड्स बहुत ये हो जाते हैं. इसलिए हम लोग आगे जो आने वाले दिनों में उनके लिए थोड़ा बहुत हम लोग रेड्स करके उनके नोटिस वगैरह इशू करेंगे. उनके लिए एक चेतावनी है ये जो हम लोग आज करें, तो बेटर वो लोग ये सब चीज़ें करना बंद करना चाहिए. और कुछ थैंक यू. अब आज जो हमारे आहार सुरक्षित मतलब गुणमट्ट अंकित अधिकारी कार्यालय से जो भी हम आज अरिव मूडिसुव कार्यक्रम बल्कि जो रकेस है उनको अवेयरनेस प्रोग्राम जो रकेस है, जो ISI कैसे रहता, ब्रांड कैसे रहता, उनका पैकेजिंग कैसे रहता, उनका लेबलिंग कैसा रहता, इसके बारे में जानकारी के लिए जो आज ये प्रोग्राम रकेस है, इसके लिए हमारे गुलबर्गी ज़िले में तकरीबन 50 के ऊपर जो है ना ISI के है, लेकिन वैसा ही नॉन ISI के जो है ना वो भी बहुत संख्या से बढ़ गए. सो है क्यों बोले तो पानी का बहुत जरूर रहने की वजह से नाना ऐसा भी उतनी ही है हमारे पास. सो इसके लिए वो आगे दिनों में आके जो अब हम स्टार्ट करें काम, ये जो व्हीकल पकड़ने का जो मैन्युफैक्चरर करते हैं वो जो है ना ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है. जो ट्रांसपोर्ट करते समय जो है ना उसके ऊपर लेबलिंग ISI मार्क सभी रहना जरूरी है और व्हीकल को भी परमिशन का जरूरी है, FSSAI का लेना जरूरी है जो भी सप्लायर करते. सो इसके लिए जो आज हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे, जो यहाँ की गुलबर्गा की जो आवाम जनता है वो जो ISI का और जो नॉन ISI रहते वो उनको ध्यान में रख के जो है ना वो लेबलिंग देख के पानी खरीदना बोल के हम हमारे डिपार्टमेंट से हम ऐलान करते. कल जो हम तकरीबन 18 गाड़ियाँ पकड़े, जो उसके अंदर हमारे जो ISI के थे उन लोगों ने जो है ना लेटर देख के हमारे को, हम इसके आगे जो है ना हम पूरा वो लेबल सभी
फॉलो करते बोल के हमार को रिक्वेस्ट करके ये बार ये करे सोए, लेकिन अगले दिनों में ऐसा नहीं होगा। जो कानून में जो पनिशमेंट है वो बराबर मिलेगा। क्यों बोले तो अगर आप लेबल ये वो नहीं करे बोले तो मिसप्रिंट बोल के कंसिडर होता है वो, उसको जो है ना डिप्टी कमिश्नर हमारे अपर जिलाधिकारी जज रहते हैं इसको, जो उनको 3 लाख रुपए तक भी जुर्माना मारने का फाइन मारने का ये रहता है। हम वो लेबोरेटरी के जो है ना भेज के उसका रिपोर्ट लेके उसके ऊपर हम फाइन डालते हैं। ये जो हमारा डिपार्टमेंट का काम। नेक्स्ट अगर वो भी नहीं सुनते, उन्होंने अभी वैसा ही चालू रखते प्लांट बोले तो हम जो है ना केबी वाले को भी इन्फॉर्म करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है ना उनके ऊपर विदाउट ISI विदाउट लाइसेंस बोल के हम उनके ऊपर कोर्ट में भी JMF से भी डाल सकते हैं हम, उसका तकरीबन 6 लाख तक जुर्माना और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है विदाउट लाइसेंस अगर बिजनेस करे बोले तो इसके लिए वो वक्त नहीं आने देना। सबजन जो है ना ISI के पानी खरीद के जो है ना लोगों को पहुंचाने का काम करना बोल के हमारे डिपार्टमेंट से ऐलान करते हैं। मैं मंजुनाथ मिस्टर कंपनी प्रोपराइटर। आज जो ये अरिव कार्यक्रम जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आहार मत सुरक्षित गुणमट मत नम गुलबर्गा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर असोसिएशन ऐन कार्याचरण होता है अरिव कार्यक्रम आयोजित तुम चेना बनु साकु इनफार्मेशन कूड़ा शेर आयु जो श्लाघने आयु या इशु दिवस ना होराटी वो नम BIS अथवा नम असोसिएशन शोभे तरली केस इवत गाड़ी हिड़ो केस सक्सेस्फुल आमेल कंटिन्ू कूड़ा अंत कूड़ा जो हिंदे नॉन ISI घटक ऐन 10x10 ऐन नडस्तर अथवा भाला ಇದೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು BIS ಹೊಂದಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ISI ಮಾಪನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ISI ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ನೀರಿದೆ ಅದು ಇದರಿಂದ ಜನಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಏನೀಗ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ನೀವು ತರುವಂಥ ನೀರು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು pH ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದು ಜಲಜಲಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಭಾಳ ಥರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಚರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೂದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂಭವಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೀವು ISI ನೀರನ್ನು ISI ಮಾಪನ ನೋಡಿರಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು FSSAI ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ